हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वी किचन एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिसको देखने के बाद आपका किचन का और घर का काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक ग्लास में पानी ली हूँ और दूसरे ग्लास में मैं इस पानी को डाल दी हूँ। यहाँ पर आप दूध भी ले सकते हैं। जब भी हम बच्चों को दूध या पानी देते हैं ग्लास में, तो बच्चे क्या करते हैं, गलती से इस ग्लास को छोड़ देते हैं और मतलब उन लोग का हाथ जो है स्लिप हो जाता है कभी कभी, तो ये ग्लास जो है नीचे गिर कर फूट जाता है। तो ऐसा ना हो तो हम एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। जब भी हम बच्चों को दूध दें, उसमें एक रबर बैंड या दो रबर बैंड लगाकर अगर हम देंगे, तो बच्चों के हाथ से ये ग्लास स्लिप नहीं होगा और ये ग्लास भी गिरेगा नहीं, और हमारा जो दूध है वो भी वेस्ट नहीं होगा और ग्लास तो फूटने से बच ही जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो यहाँ पर मैं एक कप ली हूँ, जो कि हमारे घर में एक्स्ट्रा कप पड़े ही रहते हैं इस तरीके का। अगर कप का हैंडल टूट भी गया है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिपस्टिक रख रही हूँ, और इसमें हम मेकअप ब्रश भी रख सकते हैं या बच्चों को पेंसिल भी रख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारा जो घर है वो डेकोरेट हो जाएगा और रोज़ रोज़ के जो बोरिंग देखने में लगता था ना, वो काम थोड़ा सा नया हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। जैसे जैसे आपको टिप्स बताते जा रहे हूँ, आप क्या करिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक इनवेलप ली हूँ, इसका यूज हम अगर किसी के शादी में जाते हैं तो इसमें कुछ पैसे रखकर हम उनको देना जरूरी समझते हैं, लेकिन इसको हम चिपकाना भी जरूरी समझते हैं, क्योंकि अगर हम इसको चिपकाएंगे नहीं तो पैसे गिर भी जाएंगे और ऐसे देने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हम चिपकाने के लिए अक्सर हम फेविकोल का यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे घर में फेविकोल मिलता नहीं है, तो उस टाइम हम एक अच्छा सा जुगाड़ बना सकते हैं जो कि हमारे किचन में ही है। तो हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, और इस इन्वॉल्व के ऊपर वाले साइड में हम थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद अगर हम इसको बंद करेंगे ना, तो ये बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। जैसे कि हम फेविकोल यूज करके चिपकाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से ये चिपक जाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स और जुगाड़ हमें जाननी भी चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी हमें इमरजेंसी में काम आ ही जाती है। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ली हूँ और गैस को ऑन कर लूँगी। गैस को ऑन करने के बाद हम कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक या डेढ़ कप के लगभग नमक। नमक को अच्छे से गरम कर लेंगे। अब गरम करने के बाद हमें इसमें करना क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर आपने बच्चों को कुछ खाते हुए चिप्स इस टाइप का देखा होगा, जो कि वो ऑयल में फ्राई किया रहता है, तो कि बच्चों को देना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम घर में इसे बिना ऑयल का फ्राई कर सकते हैं, तो क्यों ना हम घर में इसे फ्राई करके दें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ नमक गरम कर ली थी और नमक में इस चिप्स को मैं डाली तो ये बिना तेल का अच्छे से फ्राई हो गया। मतलब देख रहे हैं ना, इसका जो साइज है वो बड़ा होने लगा और ठीक उसी तरीके से लगेगा जो बच्चे चिप्स खाते हैं, वैसे ही स्वाद में भी लगेगा। इसको बनाने में हमें एक बूंद तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बस थोड़ा सा नमक को गर्म करना है, उसमें सारे चिप्स को डाल देना है और चिप्स बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया। एक बार में इसे बहुत सारा बना के रख दीजिए और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ कि ये क्रंची हुआ है कि नहीं हुआ है, तो देखिए थोड़ा सा गर्म है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, ऐसा चिप्स मार्केट में मिलता है, ठीक उसी तरीके का ये चिप्स बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैं कच्चा पानी पूरी ली हूँ जो कि रेडीमेड मिलता है। तो यहाँ पर मैं इसे बिना तेल का आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर नमक को पहले ही गर्म कर ली थी और गर्म करने के बाद इस कच्चे पानी पूरी को नमक के अंदर मैं इसे छुपा दी थी, तो अपने आप ही ये पानी पूरी जो है फूलने लगा है। इस पानी पूरी को छानने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल का यूज करते थे, वही पानी पूरी को हम इस नमक में अच्छे से फुला दिए हैं। तो अगर हमारा काम बिना तेल का हो जा रहा है, तो क्यों ना हम नमक में ही इसे फ्राई कर लें, क्योंकि आजकल हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा तेल खाना भी ठीक नहीं है। तो देखा ना आपने, यहाँ पर मैं
पानी पूरी बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब मैं देखती हूँ कि ये क्रंची हुआ भी है कि नहीं, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे से ये बन गया है, जैसा हम खाते हैं पानी पूरी, ठीक उसी प्रकार का ये बनकर तैयार हो गया है। अगर हमारे घर में इस तरीके से चाबी इधर उधर पड़े मिलते हैं तो बहुत जल्दी खो जाते हैं। अगर आपके पास चाबी रिंग नहीं है तो एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन ली हूँ और इस पिन में सारे चाबी को इस तरीके से लगाकर हम रख देंगे, तो इसे क्या होगा, हमारा जो चाबी है वो गुम नहीं होगा और एक जगह हमें ये सारे चाबी मिल भी जाएंगे और हमें इसे रखने के लिए कोई की रिंग का भी जरूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे छोटे छोटे जो जुगाड़ होते हैं ना, तो हमारे घर के जो काम होते हैं थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बटन्स ली हूँ जो कि हम सिलाई करते हैं, तो हम अक्सर हम इसे रखते हैं, तो जब हमें इसे ज़रूरत पड़ता है तो ये टाइम पर मिलता नहीं है और एक कलर का भी नहीं मिलता एक बाद में। तो हम क्या करेंगे, कुछ सेफ्टी पिन ले लेंगे और जो भी एक कलर का बटन्स होंगे उसमें हम इस बटन को पहना देंगे और सारे इस बटन को अलग अलग कलर के जो भी बटन हैं सारे अलग अलग करके हम पिन में रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगा एक कलर का बटन का, हमें बहुत ही जल्दी वो बटन मिल जाएगा, हमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो टाइम होगा वो भी बच जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला टिप क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं बंद गोभी ली हूँ, अक्सर हम इसका यूज सब्जी बनाने में ही करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका आज हम कुछ अलग तरीके से यूज करेंगे। तो इसका जो पत्ता है मैं इसे बाहर निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर हमें केवल इस बंद गोभी के पत्ते का ही यूज करना है, जो ऊपर में जो दो चार पत्ते होते हैं केवल वही पत्ते हमें चाहिए। तो जैसा कि हम लेडीज जब किचन में काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तो हमारे हाथों में या पैर में जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इस पत्ता गोभी का जो है यूज करेंगे। हाँ, कभी हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो हमेशा ही पैर हाथ में दर्द होते ही रहता है, तो हमें बाम लगाने के बाद इस पत्ते को इस तरीके से लगाकर एक रबर बैंड ऊपर से लगा देंगे तो उनके जो पेन है उनमें बहुत हद तक आराम मिल सकता है। कभी कभी हमारे हाथ या पैर में मोच आ जाते हैं अचानक, तो उस टाइम भी हम इस गोभी के पत्ते का यूज कर सकते हैं। बाम लगाने के बाद इसको कवर करके हल्के रबर बैंड से इसको लगाकर हम छोड़ देंगे तो हमारे दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जुगाड़ और जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर हम इससे पहले से ही जान के रखेंगे तो हमारे जो घर के काम होते हैं और हमारे जो डेली लाइफ है वो बहुत हद तक आसान हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा।